गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द मैथ्स क्लास सो इन टूडेज मैथ्स लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री एंड वो टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन ऑफ लेंथ इसके अंदर हम करेंगे कि लेंथ को हम कैसे एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ इसके अंदर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हमें यहाँ दो लेंथ्स दी हैं जैसे फर्स्ट है ट्वेंटी मीटर फोर्टी टू सेंटीमीटर ये क्या है हमारी फर्स्ट लेंथ सेकेंड लेंथ है हमारी 11 मीटर 98 सेंटीमीटर ये है हमारी सेकेंड लेंथ इनको हमें क्या करना है ऐड करना है तो जब भी आप एडिशन add, करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ही ऐड कर सकते हो जैसे हमारे पास 11 मीटर हैं तो हम 11 मीटर के अंदर 20 मीटर ही ऐड करेंगे आप उसको 42 सेंटीमीटर या 98 सेंटीमीटर के साथ ऐड नहीं कर सकते सिमिलरली अगर आपको इस लेंथ में से 42 सेंटीमीटर को ऐड करना है तो आप इधर 98 सेंटीमीटर के अंदर ही ऐड करोगे मतलब मीटर के अंदर आपको मीटर वाली टर्म ऐड करनी है सेंटीमीटर के अंदर सेंटीमीटर वाली टर्म आप ऐड करोगे सो so, हमने इधर लिखा मीटर और सेंटीमीटर तो आपको क्या कॉलम्स बनाने हैं मीटर और सेंटीमीटर वाला कॉलम तो अभी देखो ट्वेंटी मीटर है और इधर इलेवन मीटर है मतलब हमें ट्वेंटी मीटर के अंदर क्या ऐड करना है इलेवन मीटर्स ट्वेंटी मीटर था कितने सेंटीमीटर थे फोर्टी टू सेंटीमीटर ट्वेंटी मीटर फोर्टी टू सेंटीमीटर थे इसके अंदर ये वाली टर्म ऐड करनी थी तो ट्वेंटी के अंदर इलेवन मीटर है तो आप 20 के अंदर 11 मीटर ऐड करोगे और 98 है इधर तो 42 के अंदर आप 98 क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है तो 42 के अंदर हम ऐड करेंगे 98 अब हम करेंगे एडिशन सो टू प्लस एट इज़ टेन तो टेन का यहाँ आया जीरो वन कैरी देन वन प्लस फोर फाइव फाइव प्लस नाइन इज फोटीन तो फोटीन का यहाँ क्या आएगा फोर जो वन है वो नेक्स्ट ग्रुप में क्या हो जाएगा कैरी उसके बाद वन प्लस जीरो वन प्लस वन टू तो इधर ऐड करके आया टू और टू प्लस वन इज़ थ्री तो ये हमारा आंसर आया अब जो सेंटीमीटर वाले कॉलम में हमें ऐड किया जब हमने तो हमें आया है फोर्टी तो ये आया है हमारे सेंटीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर मीटर वाले कॉलम को जब ऐड किया तो आया है थर्टी टू तो थर्टी टू मीटर तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है थर्टी टू मीटर फोर्टी सेंटीमीटर इसका मतलब जब आप इन दोनों लेंस को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा थर्टी टू मीटर फोर्टी सेंटीमीटर सो आई होप एडिशन आपको क्लियर है अभी हम सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सो so, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है हमें 38 मीटर 90 सेंटीमीटर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 15 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम लिखेंगे 38 मीटर 90 सेंटीमीटर फर्स्ट लेंथ हमारी क्या है 38 मीटर है और 90 क्या है सेंटीमीटर सेकेंड लेंथ हमारी क्या है 15 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर तो मीटर में से मीटर वाली टर्म 38 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 मीटर और नाइन्टी एट सेंटी मीटर इनको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट तो अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी जीरो माइनस एट ज़ीरो में से एट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा हमें बोरो हमने इधर से बोरो किया इधर बचेगा एट और इधर आ जाएगा टेन हमने वन नंबर बोरो किया तो टेन में से एट सब्ट्रैक्ट किए क्या आएगा टू अब 8 में से 9 सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हमें फर्दर नेक्स्ट ग्रुप से क्या करना पड़ेगा बोरो तो जब हम यहां से बोरो करेंगे यहां पे क्या बचेगा 7 और यहां पे 8 का क्या आ जाएगा 18 तो 18 में से 9 सबट्रैक्ट किए तो क्या आया 92 उसके बाद अब 7 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 में से 1 सबट्रैक्ट किया टू तो इसका मतलब जब हमने थर्टी एट मीटर नाइन्टी सेंटीमीटर में से फिफ्टीन मीटर और नाइन्टी एट सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया ट्वेंटी टू मीटर नाइन्टी टू सेंटीमीटर सो दिस इज़ हाउ वी डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट लेंथस आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर सो एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है एड इसके अंदर आपको ये डिफरेंट क्वेश्चन दिए इनको आपको ऐड करना है सेकेंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है और उसके बाद आपको फोर क्या दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं तो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है रीड करते हैं और फिर समझेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको करना क्या है सो क्वेश्चन नंबर थ्री द लेंथस ऑफ अ बेड शीट एंड अ टॉवल मेजर टू मीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ बेडशीट और लेंथ ऑफ टॉवल दिया है बेडशीट की लेंथ क्या है टू मीटर और फिफ्टीन सेंटीमीटर और टॉवल की लेंथ क्या है वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर आपको पता क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर वॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ टू आइटम्स आपको इन दोनों आइटम्स की बेडशीट की और टॉवल की टोटल लेंथ पता करनी है तो टोटल लेंथ हम कैसे पता करेंगे दोनों को ऐड करेंगे ना इसका मतलब बेडशीट की लेंथ और टॉवल की लेंथ दोनों को क्या करोगे आप ऐड उसके बाद आपको टोटल लेंथ पता चल जाएगी आपको एडिशन करना है इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर फोर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज़ नाइनटीन मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है नाइन्टीन मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर इफ़ द हाइट ऑफ अ ग्राउंड फ्लोर इज़ थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो पूरी बिल्डिंग है उसकी लेंथ है नाइन्टीन मीटर सिक्सटी सेंटी मीटर लेकिन उसके सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर है नीचे वाला फ्लोर है उसकी लेंथ है थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर आपको रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग की क्या है लेंथ पता करनी है तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है सपोज दिस इज़ अ बिल्डिंग और उस बिल्डिंग की लेंथ कितनी है यहाँ से लेके नीचे तक उसकी टोटल लेंथ है नाइनटीन मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर और ग्राउंड फ्लोर की लेंथ दिया है हमें सपोज ये हमारे डिफरेंट फ्लोर्स हैं अलग अलग मंजिलें हैं उस बिल्डिंग की तो सबसे जो नीचे वाला फ्लोर होता है वो था ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है दिस हाइट ये कितनी है ग्राउंड फ्लोर की हाइट थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर मतलब ये तो आपकी टोटल बिल्डिंग की हाइट है और इतनी सी सिर्फ आपकी ग्राउंड फ्लोर की हाइट है आपको रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट पता करनी है मतलब बाकी जो बच गई बिल्डिंग वो आप कैसे पता करोगे आपकी जो टोटल हाइट है उसमें से अगर हम इतनी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कट कर देंगे तो बाकी बची हुई हाइट हमें पता चल जाएगी इसका मतलब 19 मीटर 60 सेंटीमीटर के अंदर से आपको ये वाली जो हाइट है इसको सब्ट्रैक्ट करना है कट करना है टू गेट द रेस्ट हाइट ऑफ द बिल्डिंग सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर नाओ क्वेश्चन नंबर फाइव इज द लेंथस ऑफ टू लेडर्स आर सिक्सटीन मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी नाइन मीटर थर्टी फाइव सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दो लेडर्स हैं सीढ़ियाँ हैं और दोनों सीढ़ियों की लेंथ क्या है एक की है सिक्सटीन मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर दूसरी जो लेडर है उसकी लेंथ है ट्वेंटी नाइन मीटर थर्टी फाइव सेंटीमीटर आपको पता क्या करना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द लेडर्स आपको दोनों लेडर्स की टोटल लेंथ लेंथ पता 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 करनी करनी है 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 तो तो टोटल टोटल करना करना बहुत इजी क्या करना है? जब भी आपको कोई चीज आप एडिशन करते हो तो आप दोनों लेंथ को क्या करोगे फर्स्ट लेडर और सेकेंड लेडर दोनों की लेंथ को एड करोगे और आपको टोटल लेंथ पता चल जाएगी नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अंकित थ्रोज अ क्रिकेट बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर जो अंकित है वो क्रिकेट बॉल को कितने डिस्टेंस तक थ्रो करता है फेंकता है ट्वेंटी नाइन मीटर सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर तक एंड सुमन थ्रोज इट एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटीन मीटर फोर्टी सेंटीमीटर और सुमन है जो वो इसे कहाँ तक फेंकते हैं सिक्सटीन मीटर फोर्टी सेंटीमीटर तक वो क्रिकेट बॉल थ्रो करते हैं हैज थ्रोन द बॉल फारदर एंड हाउ मच तो आपको बताना है कि किसने ज़्यादा दूर फेंका है और कितना दूर फेंका है हम ये फाइंड आउट करेंगे सो so, अंकित ने बॉल थ्रो की है कितने डिस्टेंस तक 29 मीटर 65 सेंटीमीटर सपोज़ अंकित ने जो बॉल थ्रो की है वो यहाँ तक आई है और सुमन ने जो बॉल थ्रो किया है उसने की है 16 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर हमें पता है कि 16 मीटर है वो कम है 29 मीटर से ऑफकोर्स तो इमेजिन कि वो बॉल यहाँ तक आई है अब हमें पता चल गया कि अंकित ने क्या है ज़्यादा डिस्टेंस पे बॉल फेंकी है और हमें पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ज़्यादा फेंक है बॉल हम क्या करेंगे मतलब अगर सुमन की बॉल यहाँ तक आई है तो ये जो डिस्टेंस है अंकित का ये क्या एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इतनी उसने जो बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे फेंकी है तो हम क्या करेंगे अंकित के डिस्टेंस में से अगर सुमन का डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कट कर देंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा ना कि उसने कितना ज़्यादा आगे फेंका है तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको जो अंकित ने जिस डिस्टेंस पे बॉल फेंकी है उसमें से जिस डिस्टेंस पे सुमन ने बॉल फेंकी है आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो बची हुई लेंथ आपको मिलेगी वो क्या होगी जो अंकित ने बॉल ज़्यादा दूर फेंकी है सुमन से वही हमें पता करना है कि उसने कितना आगे फेंकी है सुमन से सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर इसके अंदर आपको सब्ट्रैक्शन करना है सो प्लीज़ कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री आपको नाइन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन और टू बुक पे ही सॉल्व करना है और ये जो चारों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये आप नोटबुक पे करोगे प्लीज कंप्लीट योर वर्क इन नीट एंड राइटिंग थैंक्स एंड है ग्रेट टे